अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर किसी इक्वेशन कोई इक्वेशंस हैं और उनके यूनिक सॉल्यूशन हैं तो हम उनको चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में, और एलिमिनेशन मेथड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एलिमिनेट करना, यानी कि किसी एक को पहले एलिमिनेट किया जाएगा और उसके बाद दूसरा वेरिएबल उसकी भी वैल्यू निकाली जाएगी। इक्वेशंस ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आप देख सकते हैं पहले तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 अगर हम लोग फाइंड करें, 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3 दे आर अनइक्वल, तो इनका यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही, यानी कि x और y दोनों की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें मेथड हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो फिर इसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपको किसी भी एक कोफिशेंट, चाहे तो x या फिर y, दोनों में से किसी एक के कोफिशेंट्स को पहले इक्वल करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं x का कोफिशेंट 1 है और यहाँ पर x का कोफिशेंट 2 है, या फिर y को अगर देखें तो यहाँ पर y का कोफिशेंट 1 है और यहाँ पर -3 है। तो किसी भी एक को इक्वल करना होता है, तो इक्वल करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम x के कोफिशेंट्स को इक्वल करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x बनेगा, जिससे कि दोनों इक्वेशंस में कोफिशेंट्स इक्वल हो जाएंगे। और या फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करने पर y के कोफिशेंट्स इक्वल हो जाएंगे 3y, और यहाँ दूसरी इक्वेशन में भी 3y, तो भी एलिमिनेशन हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस में भी में से जो भी हमारे दिमाग में पहले आ जाए वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 1 में 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या फॉर्म होगा, 2x, यहाँ पर भी 2y, और ये 2 5 10, और ये सेकेंड इक्वेशन एज इट इज नोट कर लेते। अब हम लोग देख रहे हैं x के कोफिशेंट्स इक्वल हो चुके हैं, हमें x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर या तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब ऐसा क्या करें जिससे कि 2x एलिमिनेट हो जाए, तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर -2x यानी कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये एलिमिनेट हो सकता है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं, हर टर्म के साइन चेंज होते हैं, तो ये +2x है, -2x हो जाएगा, ये -3y है, +3y हो जाएगा, और ये +4 है, ये -4 हो जाएगा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x एंड -2x कैंसिल, 2y +3y, अब ये -3y नहीं है, अब ये +3y है, 2y +3y 5y एंड 10 -4 6, यानी कि y इक्वल्स 6/5। इस तरह से हमको y की वैल्यू मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, 2 में, या फिर ये जो फॉर्म की गई इक्वेशन थी इसमें अप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, सबसे आसान इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस 6/5, ये जो y की वैल्यू निकाली थी इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक्स इक्वल्स 5 माइनस 6/5, 5 5 25, 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। तो ये देखिए इस तरह से x और y दोनों की ही वैल्यूज आ चुकी हैं। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपने पहले देखा यहाँ पर x एलिमिनेट हुआ, y की वैल्यू पहले आई, उसके बाद x की वैल्यू आई। अगर हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो पहले y एलिमिनेट हो जाता, x की वैल्यू पहले आ जाती। कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। ये सेकेंड पार्ट है उस इक्वेशन का, इसमें भी दो इक्वेशंस दी गई हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कौन से
वेरिएबल्स के कोफिशेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। या एक्स के कोफिशेंट्स देख रहे हैं आप अलग अलग हैं, थ्री है इसमें टू है, किसी एक को मल्टीप्लाई करके नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए फोर है और यहाँ पर टू है, यानी कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर भी फोर वाई हो जाएगा, यानी कि वाई के कोफिशेंट्स इक्वल हो जाएंगे और वाई एलिमिनेट हो सकता है। तो इस इक्वेशन में हम टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन टू में टू से मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आएगा, टू टू ज़र फोर एक्स, ये फोर वाई और यहाँ पर भी फोर। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन सी इक्वेशन पहले रखते हैं या कौन सी बाद में, कौन सी ऊपर या कौन सी नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ऊपर या नीचे रखी जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस फोर वाई है और यहाँ पर प्लस फोर वाई है। इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे जिससे कि प्लस फोर वाई एंड माइनस फोर वाई अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो जिनमें साइन डिफरेंट हैं ऑलरेडी तो उसमें आपको ऐड करना होगा, और पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था दोनों के साइन सेम थे इसलिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर फोर वाई एंड माइनस फोर वाई कैंसिल, और इधर से 5x और यहाँ से 14, और 5 को डिनोमीटर मिल जाएंगे, x इक्वल्स 14 अपॉन 5। ये इस तरह से हमको x की वैल्यू मिल गई तुरंत। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और यहाँ रखते हैं 3x, x आया है 14 अपॉन 5 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये 14 इंटू 3 यानी कि 42 अपॉन 5 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसको इधर ले चलते हैं, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 42 अपॉन 5, 50 माइनस 42 यानी कि 8 अपॉन 5, और ये 4y से जो 4 है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि 8 अपॉन 4 इंटू 5, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा यानी 2 अपॉन 5। तो ये इस तरह से आपने देखा y की वैल्यू आई 2 अपॉन 5। तो x और y की दोनों की वैल्यूज आपके सामने हैं, 14 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 5। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन या दोनों इक्वेशंस में रखकर LHS और RHS इक्वल लाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं।